वीकेंड का बार में अब सलमान खान ने क्यों जोड़ा है ईशा और अनुराग का नाम, आखिरकार क्या कहा है सलमान ने, हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि वीकेंड का वार में इस बार सलमान खान के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको सुनकर अब ये लोग सभी दंग रह जाएंगे। इस हफ्ते इन लोगों ने जो भी चीजें की हैं उसको लेकर सलमान खान ने सभी की फटकार तो लगाई ही है और साफ साफ कह दिया है कि तुम लोगों की हरकतों से तो ये लगता है कि आप में से किसी को शो में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप लोग सभी जिस तरीके से गेम को खेल रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि आप में किसी में भी इस बात की तमीज ही नहीं है कि बाहर आप लोग कैसे दिख रहे होंगे और आप लोगों की छवि कैसी दिख रही होगी। यहाँ पर सलमान खान ने साफ साफ जो है अब फटकार लगा दी है। सलमान ने अब ईशा का नाम अनुराग से जोड़ा, जिसको सुनकर समर्थ और अभिषेक के तो होश ही उड़ गए कि आखिरकार क्यों सलमान खान ईशा और अनुराग के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सलमान ने कहा कि ईशा ने जिस तरीके से अनुराग को बचाया है उसके पीछे ईशा की एक साजिश थी। हालांकि इसके बारे में जिक्र करते हुए बताया है सलमान खान ने कि कैसे ईशा वाकई में अनुराग की ब्रो सेना के वोट्स जुटाना चाहती है। सलमान ने साफ साफ कहा कि मुनावर ने भी तुम्हें ये बात कही थी कि तुम ये डिसीजन लेकर ब्रो सेना की फेवरेट बन जाओगी, तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे इस डिसीजन को लेकर सभी नाराज हैं और यहाँ पर तुम्हारे इस डिसीजन की कोई भी तारीफ नहीं हुई। तो यहाँ अब सलमान खान ने फटकार लगाई है ईशा की, तो एक बात तो तय है कि यहाँ पर यही बात जो है अभिषेक भी कहता हुआ नजर आया था ईशा को, लेकिन ईशा ये बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। ईशा को लग रहा था कि अभिषेक उसे नेशनल टेलीविजन पर गलत दिखाना चाह रहा है और इसीलिए उसके डिसीजन पर सवाल उठा रहा है। तो अब सलमान ने लगाई है ईशा की फटकार और साफ कहा है कि तुम्हें जो है अभिषेक की बात सुननी चाहिए थी और तुम्हें जब वो कह भी रहा था कि तुम जाकर ऐश्वर्या से मिल लो तो तुम नहीं मिली, तुम्हें इस इंडस्ट्री में सीनियर आर्टिस्ट की कोई कद्र और इज्जत नहीं है। यही बात मैंने मनारा को भी समझाई थी और तुम भी वही गलती करती नजर आ रही हो। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना